मैं मंच की ओर से आपका बहुत मस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप इसी तरह मान बढ़ाने आते रहे ताकि आपके आने से हमारे हमारे दिल में चार चांद लगे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी, आई वेरी हैप्पी, आई वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच, मस्ट वेलकम इन मंगलपुरा विलेज, इन माई विलेज मंगलपुरा। थैंक यू। बोलो श्री गौ माता की जय। हाँ भाई, ये तो समराया विजा, ये तो समराया विजा, और नई तरफ है जी संदेश, नैना में आंसू बहे वो सावन भरसे में, वो सावन भरसे कलयुग थारी उल्टी माया। देखो लोग अपना कर्म को टाले, आज गौ माता कटनी में जावे, गौ माता की ऐसी दशा क्योंकि लोग ज्यादा कुत्ता ने पाले। आज सबसे ज्यादा दशा है गौ माता की, इसलिए आज बड़े बड़ा बैनर लगा जागरण राखना पड़े एक शाम गौ माता के नाम। साहब ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है, कहां जरूरत पड़ी। बुढ़िया बुजुर्ग लोग बेटा सापाड़ा ने पूछो, आज 15 साल पहली कोई गांव में एडो जागरण को नहीं हुए। 15 साल पहली बाबा जी कभी मिनका ने भेड़ा कौन करिया, गया नाम रो जागरण कौन रखियो ना, आज क्यों जरूरत पड़ी। एक शाम गौ माता के नाम, हर गांव में जाओ एक शाम गौ माता के नाम। आ कदी सुनी एक शाम भैंस माता के नाम, आ कदी सुनी, आ तो सुनिए एक शाम नंदी बाबा के नाम, आ तो कौन सुनी एक शाम पाडा बाबा के नाम। हा? क्या समय आया, क्यों जरूरत पड़ी है। बहुत लंबी कहानी है साहब, केवल पैसा देने से गौ माता बचने वाली नहीं है, वापिस गौ माता को घरों में लाना पड़ेगा। अभी मून साहब ने बहुत बड़ी बात कही, आपने सोचे की सुनी नहीं, आपने उसको ग्रहण नहीं की, और जिसको ज्ञात है कि गौ माता क्या है उसके कलेजे में लगी कि मुन साहब ने क्या चीज बोली है। देसी गौ माता के बारे में बताई, देसी गौ माता, यार वो गौ माता घर में आएगी तो उस दिन समझ लेना अपने घर में भगवान कृष्ण पधार गए, उस दिन समझ लेना अपने घर में चार भुजा को नाथ सांवरियो पधारियो। इसलिए साहब ये पर्दे लगा के कब कब तक जागने देंगे, कितना दिन जागना देर, कितना दिन भजन गाकर, कितनी रात पैसा भेड़ा कर गया बचा वाला। आखिर गायों ने अपने घर में राखनी पड़ेला, अट जीता भी लगभग 2-3-4 हजार 5 हजार की तादाद में अपा लोग बैठा, और लगभग 30-40 हजार लोग लाइव देख रहे। अपने भी मारो निवेदन है, अब शपथ लेने का टाइम आ गया, गौ माता राष्ट्र माता भी घोषित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी काम आपका हो जाएगा। लेकिन गौशालों में गौ माता बचने वाली नहीं है। गौशाला का मतलब है सिर्फ व्यवस्था, बारे रोड माते भटके उनकी सिर्फ व्यवस्था है गौशाला। साहब गायों तो घर में ही ना बने, पूछो बुढ़िया लोगों ने, 5-5 भाई भेड़ा रहता, 5-5 भाई। मेरी बात का थोड़ा ध्यान करना, मेरा काम भजन गाने का नहीं है, ना कोई मेरा कॉमर्शियल वर्क है। 5-5 भाई भेड़ा रहता, आज 30 साल पहली आपने घर में भी काका बाबा बड़ा पिताजी, क्यों एक भी भाई मन में कौन सोचो कि मैं न्यारो गए हूं, क्यों अपने घर में गौ माता आई। और जिस दिन वह भैं आई ना भैंस, उन दिनों घर का तूर तड़ेगा, सासू करने बहु करने नणंद करने भोजाई करने देराणी करने जटाणी करने। माता बहना थाने मारा कोई पुरानी राड को नहीं है, हाँ मैं थाने घर को कोई आ को नहीं काट करवाना आयोड़ो, मैं जगह बीतोड़ी बात वही कहूं ला, चाहे घर आपका चाहे घर मेरा, हर घर की कहानी यही है। साहब फिर से आपको एक घर में एक गौ माता रखनी पड़ेगी देसी, बाकी आने वाले 10 सालों के बाद में विचार कर लेना, हम बचे ना बचे हमारे शब्द रहेंगे यूट्यूब पर लाइव चल रहा। 15 सालों के बाद में मातो बहना बहुत गुंडो टाइम आई, कटो लियाओ घर पवित्र करने वाते गौमूत्र, समूह पहली तो ओचो गौमूत्र कटो लियाओ, कटो लियाओ गोबर, एक भी एड़ो मंदिर को नहीं जो गौमूत्र बिना पवित्र है।
गंगा जल बलि जरिकन भर कूट दियो, मंदिर पवित्र कौन वे, उसमें गौमूत्र की छांट डालनी पड़ेगी आपको, तब मंदिर में भगवान प्रवेश होंगे। 15 सालों के बाद में बेटा बेटी को ब्याह करोला, कठौ लिया वाला चौरी में छाणा, छाणा ही बोलो ना, कहीं बोलो थांगे एरिया में, कहीं बोलो छाणा बोलो। 15 साल के बाद में छाणा कठौ लिया गायरा, गाय रवे को नहीं तो छाणा कटो ले आओ, छाणा ले आओ उगड़ी में पेश का, क्या ले आओ पाडा का, अबे पाडा का छाणा चौरिया मंडी, मैंने बताओ ब्याह हुदरी बिगड़ी। सोचो आप सोचो 2 मिनट के लिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल टाणी है ये, दी स्टोरी ऑफ रियल। 15 सालों के बाद में बेटा बेटे को ब्याह कराला, कटो लिया वाला गोबर का छाणा ऑनलाइन मंगा, ऑनलाइन 2 पैकेट छाणे भेज देना ऑनलाइन, ऑनलाइन वाला पैकेट लाएगा आपके घर, 2 पैकेट छाणा आया। अब इन चेक करो, छाणा ही जो पाडागा। सोचने का विषय साहब, मेरी बात बुरी लगी तो ताली बजाना एक बार, बुरी लगी धन्यवाद नहीं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, कहा मैंने तो सरपंच बनना कौन है। हाँ बुरी लगी साहब, विचार करें आप 15 सालों के बाद में गौमूत्र कहां से ले आओगे। इसलिए गौ माता को आपसे बचाना शुरू कर दे, घरों में रखना शुरू कर दे, ज्यादा कुछ नहीं मांगती आपसे गौ माता, दूध के लिए मत पाड़ो, गौ माता को दूध के लिए मत पाड़ो, भगवान के लिए पाल लो। कि मेरे घर में कृष्ण भगवान खड़े हैं। अब यदि मेरी बात अच्छी लगी तो ताली बजाना, यदि आपके घर में भगवान चाहिए तो घर में गौ माता रखो, बाकी साहब वामणी राणा भाई के छाड़ो और बोले कर्मा भाई के छाड़ो। सोमने चाट बहु भगवान घरे अबाड़ो, यदि सोमने चाट बहु घरे अबाड़ो गए ना, बकरे में 20 क्विंटल धान पड़ियो, रोजीना एक छाजलो भर भगवान के छोड़ दो, रोजीना भगवान आर पूछ ले हाय हेलो कैसे हो। अगरबत्ती से भगवान आने वाले नहीं है, यदि अगरबत्ती से भगवान आ जाते तो मेरे जोधपुर वासी सेकंड फेज में पूरी फैक्ट्री अगरबत्ती की लाई लगाओ तो सगड़ा देवता बेड़ा हो जाता, सगड़ा देवता जोधपुर में बेड़ा हो सकता। लेकिन भगवान भावना से आते हैं, भगवान देखते हैं किस घर में किसकी भावना। आज मंगलपुरा में जीते भक्त बैठे हो, आपकी भावना पवित्र है तब आप रात के 12 बजे यहां बैठे हो साहब, बाकी 500 रुपया दिए कि सर्दी में कुण आवे कांकड़ में, आगे रागरे तेरी जागरण है देखिए कौन ही जागरण है। लेकिन आप भावना से यहां बैठो, मैं आपकी भावना की बहुत बड़ी कदर करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको और आपके माता पिता को कि ऐसे संस्कार देके ऐसे सूरवीर बेटों को जन्म दिया जो रात के 12 बजे इस कांकड़ में बैठे हो, आपके चरणों में प्रणाम। अभी बात आई है मुद्दे की, तो मेरी बात आपको अच्छी लगी ना, एक घर में एक गाय पक्का, एक बार हाथ उठा के बोलेंगे पक्का, एक घर में एक गाय। कल सुबह मत बांधना, धनतेरस के दिन बांध लेना, आगे धनतेरस आ रही है 2-3 तारीख को, उस दिन आप एक घर में एक देसी गौ माता माता बहनों हाथ खड़ा करके बताएं रखोगे गाय। अरे मन बदे जीरो धन बदे, हाथ खड़ा करे रखेंगे पक्का, हाथ नीचा मत करो। कौन कौन घर में गाय रखेंगे देसी,